खानकाहे अजहरी जाहिद नगर संभल रोड करूला मुरादाबाद में हर माह की तरह इस माह भी चांद की 13 तारीख को बाद नमाज इशा शहनशाह विलायत हजरत मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की महाना महफिल निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मुनाकिद की गई। इस मौके पर अव्वलन गुलहाय नातो मनाकिब पेश किए गए। कारी मोहम्मद आदिल नूरी व हाफिज मोहम्मद अली ने नातो मनाकिब के नजराने पेश किए। नातो मनकबत के बाद कुल शरीफ पढ़ा गया, शजरा खानी की गई और खान कह के गद्दी नशीन हजरत मौलाना हाफिज कारी अख्तरुल इस्लाम अजहरी ने दुआ फरमाई और दुआ से कबल हजरत कारी साहब का बयान भी हुआ। और सिलसिले और मोहब्बत को आगे मानते नहीं है।
काफी खैर तक पाए तक पहुँचा दी। जामिया सिद्दीक अकबर जो हमारा मदरसा असीम काम कर रहा है, इस मदरसे की दिनों राज्यों की तरफ दौरान खानकाहे साबरिया चिश्तिया पक्का बाग गल शहीद मुरादाबाद के बानी व गद्दी नशीन सूफी नवाब जान साबरी पीरजादा मोहम्मद कासिम अलमारूफ मोहम्मद आली मियां अजहरी मास्टर महमूद अयाज बनारसी हाजी मोहम्मद सुलेमान साबरी खानकाहे साबरिया जमालिया लक्ष्मी नगर दिल्ली से अंजुमिया साबरी जमाली वसीमिया साबरी मोहम्मद अहमद साबरी शब्बीर अहमद साबरी खुर्शीद महमूद उर्फ ननू मियां सरफराज मियां अजहरी खलीफा हसनैन शाह अलीगढ़ से तशरीफ लाए हिफ्जुर रहमान जमाली साबरी व मोहम्मद अनीस जमाली साबरी सूफी तबले शाह खुशहाली हजरत मौलाना कारी आदिल नूरी हाफिज अली मियां हाजी जावेद हुसैन परवेज हुसैन कारी वसीम मियां अजहरी डॉक्टर मोहम्मद सालिम अजहरी मोहम्मद दानिश अजहरी गुड्डे मियां अजहरी वगैरह समेत कसीर तादाद में खानकाही व निस्बती हजरात मौजूद रहे। इस मौके पर सभी लोगों ने हजरत मौलाना हाफिज कारी अख्तरुल इस्लाम अजहरी की खिदमत में मुबारकबाद पेश की और उनसे दुआ की दरख्वास्त भी की। वाजे हो कि कारी साहब 25 जनवरी बरोज जुमा उमरा व जियारत के लिए रवाना हो रहे हैं। दुआ के बाद सभी हाजरीन की खिदमत में साबरी लंगर पेश किया गया। इससे कबल दिन में खानकाह तैयब असालतपुरा में कुरान ख्वानी और खानकाह अजहरी जाहिद नगर में खवातीन का इस्लाही प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया।